गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं योग माया मिश्रा माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी से क्लास फोर्थ की हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास फोर्थ में रिमझिम पुस्तक में लिटरेचर में पाठ दो का अध्ययन करेंगे। पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें अकबर और बीरबल से संबंधित कहानी का वर्णन किया गया है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जो बादशाह अकबर थे, उनके जो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, मंत्री थे बीरबल, वो नौ रत्नों में से एक थे और वो अकबर के बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा दरबारी थे। और जिस कारण जो अन्य दरबारी थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती थी और वो लगातार षड्यंत्र सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को राजा की नज़रों में नीचा गिराया जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने मानने से कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो थी, लेकिन वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन कैसे निकलवा देते। बच्चों, यहाँ पर दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, अर्थात जहाँ कमज़ोर की ना सुनी जाए, और तूती बोलना माने होता है प्रभाव होना, यानी कि जो बीरबल थे उनका अकबर के दरबार में बहुत प्रभाव था, इसीलिए लिखा गया है उनकी तूती बोलती थी। तो जो ख्वाजा सरा थे, वो अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान समझते थे और अपने आगे वो बीरबल को कमज़ोर और एक मूर्ख बालक की तरह सोचते थे, लेकिन अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। तो जैसा वो चाहते थे वैसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और दरबार में बीरबल की बहुत प्रभाव था। इस बात से वो चिढ़ते थे और वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान से बीरबल को निकाल दिया जाए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या योजना बनाई ख्वाजा सरा ने, उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे कठिन कठिन सोचे। उन्होंने सोचा कि इसके जवाब जो है बीरबल नहीं दे पाएंगे और जब अकबर के सामने, बादशाह के सामने वो संतोषजनक यानी कि सेटिस्फेक्ट्री उत्तर, जो कि सही है उत्तर, ऐसे नहीं दे पाएंगे तो राजा की नज़रों में उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी हिलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा साहब ने क्या किया, एक दिन अचकन पगड़ी, अचकन कहते हैं बच्चों बहुत लंबा सा लॉन्ग कोट और पगड़ी अर्थात साफा पहनकर अपनी दाढ़ी हिलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर उनको अभिवादन करते हैं जैसे राजा को, वैसा किया और बोले कि बीरबल तो बहुत अपने को होशियार समझता है, लेकिन आप महाराज उसकी इन बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके दिमाग की गहराई नापने अर्थात उसकी अकलमंदी की था लेने के लिए, अकलमंदी की परीक्षा लेने के लिए आप उनसे मेरे द्वारा पूछे गए तीन सवाल पूछिए, जिससे उनकी अकल बहादुरी की कलई खुल जाएगी, अर्थात उनका सब कुछ कि उनमें कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ये सब समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसके दो भाग और बनेंगे और आगे के भाग में बचा हुआ अध्याय हम लोग समझेंगे और इसकी अभ्यासकार और प्रश्नोत्तरों को भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।